वेलकम बैक टू माय माईट्यूब चैनल पेपर हैकर बेटा आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र महात्मा गांधी काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस से हैं उनके लिए 2000 जो 22 में अभी 22 जनवरी जो मतलब कि 18 जनवरी से जो स्टार्ट हो रहे हैं पेपर आपके ठीक है और दो तो आपके लिए क्या है बेटा इंप्रूवमेंट का जो पेपर हो रहा है जिसे बैक पेपर भी बोलते हैं तो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों एक साथ पेपर होंगे बेटा तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इंप्रूवमेंट एग्जाम बैक पेपर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी एस ईयर वालों के लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा देखा केमिस्ट्री की मैंने वीडियो पहले अपलोड करके तीनों पेपर एक साथ इसी प्रकार से जियोजी की भी बॉटनी की भी भी और फिजिक्स की अपलोड कर दूंगा आप पेपर है सब्सक्राइब कर, कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को आप रट लेना बाकी कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम में और उन क्वेश्चनों को याद करके आप पिछासी परसेंट प्लस लेके आएंगे समझ रहे हो इन क्वेश्चन को रट लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है देखो एक होता है फर्मी ऊर्जा परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होती है? उसके के बारे में। और प्रयोग के, के बारे में याद कर लेंगे आदर्श गैस के बारे में याद कर लेना जो में बंद कर रहा हूं बस उतना ही पढ़ना है बाकी इनको किसी को नहीं देखना है ठीक है समझ रहे हो आइस्टीन के द्रव्य और ऊर्जा संबंध नियम के बारे में ये देख लेना है इसमें संबंध के बारे में इसको छोड़ देना है और उसके बाद में देखना है आपको लुवेन प्रमेय और उसका सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है आपको लुवेन प्रेमे को और उसके महत्व को याद करना है लंबाई के संकुचन को नहीं देना है सूक्ष्म अवस्था क्या है इसकी परिभाषा आप याद कर लेंगे और देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्मी डिस्क वितरण इसको और फर्मी डिस्क विकरण एक वितरण और विकरण इन दोनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को रट लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये मोस्ट पे लगा लेना उसके बाद में आता है बेग जुड़ प्रमेय के बारे में इसको पढ़ लेंगे और इसको छोड़ देना उसके बाद में आता है पृथ्वी की जरूरत फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको छोड़ देना है ठीक है उसके बाद में आता है मैक्सवेल के बेग वितरण नियम और उनका निगमन के बारे में इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रट के जाएंगे और द्रवहीन कण क्या होते हैं उनको उदाहरण सहित बताइए इसको छोड़ देना है और प्रियता किस प्रवल्टी बोलते हैं इसको आप याद करना है बोल्ड जमीन एंट्रोपी के बारे में पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बाद में इसको छोड़ देंगे और गैलोलो नियम संलक्षण के नियम के बारे में पढ़ लेना है ठीक है बेटा ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे और साथ में साथ में आपको ये देख के जाना है कि गति और वेग का वितरण में आपको संबंध क्या होता है इसको ठीक है उसके बाद में ये सब हम छोड़ के जाएंगे इसको नहीं पढ़ना है ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और कुल ऊर्जा के साथ ये भी नहीं पढ़ना प्रोबेबिलिटी इसको नहीं देखना है बाकी सब आपको ऊपर वाले जो पढ़ने हैं वही अब सेकंड पेपर में बेटा टिक लगाएंगे सेकंड पेपर फिजिक्स के सेकंड पेपर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो ध्यान से फर्मी ऊर्जा में ऊपर बता चुका हूं तो यहां नहीं पढ़ना है होशो के बॉन्ड सिद्धांत के बारे में उनकी संरचना किस प्रकार से बनती है ये आप याद कर लेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बाद में अचालक चालक अचालक और अर्धचालक की परिभाषा आप याद कर लेंगे अल्फा छ क्या होता है इसकी परिभाषा को याद कर करके जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा अल्फा छह के बारे में ठीक है उसके बाद में क्रिस्टल के सात समुदाय जैसे हम डायमंड की संरचना भी बोलते हैं तो डायमंड की संरचना के बारे में याद कर लेना यह बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है याद रखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है उसके बाद में आए त्रेक जालक किसे कहते हैं त्रेक जालक की परिभाषा याद करेंगे और आयनिक क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल भी पढ़ेंगे बेटा आयनिक क्रिस्टल भी पढ़ के जाना है आपको आयनिक क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल क्या होता है ठीक है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बाद में क्रिस्टल क्रिस्टल के प्रकार को याद कर लेना कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं इसको छोड़ देना है नाभिक की संरचना को याद कर लेना नाभिक की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है और नाभिक के मूल गुण के बारे में ठीक है न्यूट्रॉन सुझांग को छोड़ देना ब्लॉक पर में क्या होती है अब इसको पढ़ के जाएंगे द्रव्यमान क्षति के बारे में द्रव्यमान की क्षति मोस्ट इंपोर्टेंट है और बंधन ऊर्जा इसको आप पढ़ के जाएंगे ठीक है उसके बाद में ब्रैक समीकरण के ब्रैक के नियम के बारे में पढ़ के जाएंगे नाभिक का द्रव बूंद मॉडल उनकी असफलताएं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और युक्बा का मोसेल सिद्धांत के बारे में पढ़ लेना युक्बा का जो मोसेल सिद्धांत था उस सिद्धांत को आप याद कर लेंगे ठीक है और गाइगर मूलर गुणत के बारे में याद करके जाएंगे इसको आप छोड़ देंगे

बाइस में जो आपका जनवरी में अठारह जनवरी से स्टार्ट पेपर हो रहा है आपको स्कीम तो मिली गई होगी वही आपको देखना है अब देखो आपको क्या पढ़ना है ध्यान दो इसमें हमें जेंडर डायोड की परिभाषा और उनके अनुप्रयोग के बारे में देख लेना है और एलईडी क्या होती है एलईडी के जिसे हम प्रकाश उत्सर्जन डायोड बोलते हैं इसके बारे में आपको याद कर लेना है ठीक है और निज अर्धचालक की परिभाषा और वह अर्धचालक की परिभाषा इन दोनों की परिभाषा अच्छी तरीके से देख लेना संधि डायोड क्या होता है जिसे हम जक्सन डायोड कहते हैं याद करेंगे और टर्मिनल डायोड के बारे में पढ़ के जाएंगे और एनपी के, के, इसको इसको के जाएंगे और ट्रांजिस्टर द्वारा जो प्रबंधन होता है जो एम्प्लीफिकेशन बाई ट्रांजिस्टर होता है इसके बारे में पढ़ के जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जेफ्ट जेफ्ट के टाइप कितने होते हैं उनकी क्रियाविधि को पढ़ के जाएंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इन सबको छोड़ देंगे मॉसपेट की परिभाषा और

और उसके बाद में वोल्टेज प्रबंधन क्या होता है आप इसको पढ़ दे जाएंगे और शक्ति प्रबंधन के बारे में पढ़ के जाएंगे ठीक है और उसके बाद में बॉन्ड चौड़ाई की परिभाषा पढ़ के जाएंगे और आईसी बोल्ट नियंत्रण क्या होता है ये इनको सब कि सबको छोड़ देंगे ठीक है और बाकी हमें यहाँ और फीडबैक का पुनर्सिद्धांत को याद कर लेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बाकी आप किसी को नहीं पढ़ेंगे ये थे दो के जनवरी में जो भी अठारह जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है इंप्रूवमेंट से बैक पेपर भी बोलते हैं ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के तीनों पेपर के ठीक है बी एस सर्ड वालों के लिए बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय